नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है तब से पूर्वांचल के विकास को गति मिली है। सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां के विकास को पंख से लग गए। पूर्वांचल में विकास को और गति देने के लिए रेल विमान के साथ साथ सड़क मार्ग का जाल बिछाया गया। अब गोरखपुर को एक नए एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने वाला है। जी हाँ, यह है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का क्या खासियत होगी और कब तक मिलेगा यूपी को अपना नया एक्सप्रेसवे, देखिए इस रिपोर्ट में। 500 किलोमीटर लंबा ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे गोरखपुर के फोर लेन पर पीपी गंज के पास से शुरू होकर यूपी के 20 जिलों से गुजरते हुए शामली तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीन फील्ड होगा। इसके लिए नए सिरे से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति भी कर दी है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पंजाब नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। अम्बाला में शामली तक करीब 110 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो गया है, जिसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे यहां से शुरू होने वाला तीसरा एक्सप्रेसवे होगा। इससे पहले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से काम चल रहा है। 50% से ज्यादा काम उस पर पूरा हो चुका है। इसी साल से ये एक्सप्रेसवे आजमगढ़ में जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा, जिसे दिल्ली जाने का एक और बेहतर रास्ता हो जाएगा। इसी के साथ गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 519 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि कब तक बनेगा ये एक्सप्रेसवे, आखिर इसका क्या फायदा होगा, कितना कम दूरियां हो जाएंगी। तो आपको बता दें, अम्बाला से शामली तक लगभग 110 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे पूरा करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। इसी एक्सप्रेसवे शामली एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। इसके बन जाने से गोरखपुर से अम्बाला की दूरी लगभग 300 किलोमीटर कम हो जाएगी। अभी लोगों को 1000 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पंजाब नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। अगर ये पीपीगंज और कैंपियरगंज के बीच से निकलता है तो उसके बन जाने से संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर जनपद पहली बार एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि पूर्वांचल का तीसरा एक्सप्रेसवे होगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद गोरखपुर से अम्बाला की दूरी करीब 300 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही यूपी के 10 जिले पहली बार किसी एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के बनने से यूपी को विकास की ओर गति मिलेगी। मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी कहते हैं कि अमेरिका इसलिए विकसित देश है क्योंकि उनके पास बेहतर सड़कें हैं। अब देश में उसी तर्ज पर सड़कें बनाई जा रही हैं और ये तो बीजेपी ने यूपी को विकास की रोड देकर ये साबित कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी तो 2022 के चुनाव से पहले ही सौगातों की बारिश कर रही है, लेकिन क्या जनता भी बीजेपी को उतना ही सपोर्ट करेगी और आने वाले चुनाव में क्या ये सौगात, ये विकास यूपी की जनता 2022 में याद रखेगी, क्या बीजेपी को सत्ता में एक बार फिर वापस लाएगी ये जनता, ये देखना दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।